वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स पार्ट टू, लास्ट लेक्चर सिक्स्थ, जहां मैंने स्टॉप किया था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे लेक्चर सेवन। इसके अंदर हम सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पोलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। लेक्चर सिक्स्थ में हमने दो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझे थे और उनका प्रूफ देखा था। उनके प्रूफ एग्जाम में नहीं आते, आप केवल उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के दिमाग में उसको उसकी पिक्चर बना के रखें। इसका एप्लीकेशन पार्ट, इसका यूज़ हम देखिए आज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में। ये एक्चुअली पोलर ट्रायंगल की सेकंड प्रॉपर्टी है, ये एग्ज़ाम में प्रूव करने को बहुत आती है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी कह क्या रही है। यहाँ पर अपन दो ट्रायंगल्स, पहले तो आप देखिए डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, एक तो है एबीसी, एक है ए डैश बी डैश सी डैश। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के पोलर ट्रायंगल है। ये सेंटेंस अब मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं प्रॉपर्टी नंबर वन प्रूव कर चुका हूं। प्रॉपर्टी नंबर कहती है रेसिप्रोसिटी ऑफ पोलर ट्रायंगल्स, मतलब अगर ए डैश बी डैश सी डैश इज द पोलर ट्रायंगल ऑफ एबीसी, देन ए बी सी इज ऑल्सो द पोलर ट्राइंगल ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। यानी कि ये बात हम उल्टा सीधा दोनों तरफ से कह रहे हैं, वाइज वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस प्रॉपर्टी को अब मैं पढ़ता हूँ कि मुझे इसमें प्रूव क्या करना है। देखिए, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ पहले कि ए डैश बी डैश सी डैश जो है वो पोलर ट्राइंगल है। ये तो है पोलर ट्राइंगल और ए बी सी है इसका प्रिमिटिव ट्रायंगल। ये वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रिमिटिव। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब साइड्स एंड एंगल्स किसके, पोलर ट्रायंगल के। तो पोलर ट्रायंगल है ये वाला, तो इसकी साइड तीन साइड है। देखिए आप चित्र में, एक तो है बी डैश सी डैश, इसको मैं प्रदर्शित करूंगा या डिनोट करूंगा ए डैश सिंबल से। फिर दूसरी साइड है इसकी सी डैश ए डैश, अगर इसी कंडीशन में अपन आगे चले, इसको मैं डिनोट करूंगा बी डैश से। और फिर थर्ड साइड है इसकी ए डैश बी डैश, इसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल सी डैश सिंबल से। तो ये तो होगी साहब इसकी तीन साइड्स, और ये इसके तीन एंगल्स हैं। देखिए आप, ए डैश एंगल, बी डैश एंगल, सी डैश एंगल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं साइड्स ए डैश बी डैश सी डैश और एंगल्स कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश कैपिटल सी डैश, किसके हैं, ये पोलर ट्रायंगल के। अब हम कह रहे हैं कि ये रेस्पेक्टिवली किसके इक्वल है। एक्चुअली यहाँ पर हम चाहें तो एक वर्ड लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, किसकी इक्वल है ये, सप्लीमेंट्स ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ प्रिमिटिव ट्रायंगल। ध्यान समझना, यहां पर आपको इस वर्ड को बहुत ध्यान से इसकी यूजफुलनेस को समझना है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि यहां पर जिन शब्दों को हमने जिक्र किया इस वाले पार्ट में, यहां पर मैंने पहले यूज किया साइड्स, फिर मैंने यूज किया एंगल्स को, लेकिन आगे वाले पार्ट में रेस्पेक्टिवली के बाद जो पार्ट लिखा है इसमें मैंने यूज़ किया है पहले एंगल्स को और फिर साइड्स को, लेकिन किसके, प्रिमिटिव ट्रायंगल यानी एबीसी के। तो एबीसी ट्रायंगल के एंगल है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और इसकी साइड है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वही लॉजिक। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है साहब, देखिए इस प्रॉपर्टी का मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो गया कि ए डैश यानी कि साइड ऑफ पोलर ट्रायंगल ये इक्वल है सप्लीमेंट ऑफ कैपिटल ए यानी पाई माइनस ए के। पाई माइनस करने को ही कोई हम बोलते हैं सप्लीमेंट, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ए डैश इज इक्वल्स टू पाई माइनस ए, ये प्रूव करना है। इसी प्रकार बी डैश अगर हम यहाँ लिखें तो वो इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कैपिटल बी के, सी डैश लिखें तो वो हो जाएगा पाई माइनस कैपिटल सी के।
तो ये तीन बातों को हमें प्रूव करना है, और इसी को हम कह रहे हैं कि साइड्स ऑफ ए पोलर ट्रायंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्स ऑफ एंगल्स ऑफ प्रिमिटिव ट्रायंगल। ये तो बात हुई साहब जब हमने यहाँ पर पोलर ट्रायंगल के लिए साइड वर्ड को पिक किया और प्रिमिटिव ट्रायंगल के लिए एंगल वर्ड को पिक किया। लेकिन अगर अपन दूसरा दूसरा वर्ड पिक करें, मतलब कंसीडर करें, यानी कि पोलर ट्रायंगल के तो मैं एंगल्स की बात करूं, तो ये रेस्पेक्टिवली इक्वल होंगे सप्लीमेंट ऑफ साइड्स ऑफ प्रिमिटिव ट्रायंगल, यानी कि ए डैश इक्वल हो जाएगा पाई माइनस स्मॉल ए के, बी डैश इक्वल हो जाएगा पाई माइनस बी के, और सी डैश इक्वल हो जाएगा पाई माइनस स्मॉल सी के। तो इस प्रकार टोटल 6 बातें, टोटल 6 रिलेशंस मुझे यहाँ पर प्रूव करने हैं। आई होप कि ये प्रॉपर्टी तो आपको इसका मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। प्रूफ तो अभी हम कर रहे हैं, पर ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, आई ट्राई टू मेक इट क्लियर बिफोर यू। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। देखिए, हम यहाँ पर मेन लॉजिक ये दे रहे हैं, मेन प्रूफ यह है कि बी डैश जो है ना सब, वो एसी का पोल है। तो देखिए आप, ये तो हम जानते हैं कि ये पॉइंट किसका पोल है, एसी का, सॉरी बी डैश इज द पोल ऑफ एसीआर का, ये एसीआर और ये इसका पोल है। यही मीनिंग होता है पोलर ट्रायंगल का। इसका मतलब बी डैश से लेकर ई तक की लेंथ बताइए कितनी होगी, बी डैश से लेकर ई तक की लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ इक्वल होगी पाई बाई टू के, क्योंकि ये तो पोल की विशेषता है। पोल अपने रेस्पेक्टिव आर्क से क्वाड्रेंट डिस्टेंस पर होता है, यानी पाई बाई टू डिस्टेंस पर होता है। यही लॉजिक हमने दिया सी डैश के लिए। सी डैश किसका पोल है साहब बताइए, ए बी का। तो देखिए आप डायग्राम में, ये रहा सी डैश और ये रहा इसका रेस्पेक्टिव आर्क। तो सी डैश से लेकर ये, इसको अगर मैं ऐसे ऊपर ऊपर ग्रीन से मार्क कर दूं, तो ये डिस्टेंस भी पाई बाई टू होगी। ओके, सी डैश से लेकर डी, इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया है। इसको तो नाम दे दिया मैंने डी, देखिए आप दिख रहे हैं आपको, इसको मैंने नाम दे दिया ई, क्योंकि इनकी ज़रूरत है। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया मैंने। फिर देखिए छोटा सा मैंने काम किया मैथमेटिकल, सी डैश डी की जगह मैंने ये लिखा है, ब्रैकेट में जो लिखा है, देखिए क्या ये बात सही है। सी डैश डी एक्चुअली, आप देखिए डायग्राम में, सी डैश से लेकर डी तक की लेंथ आपको दिख रही है। सी डैश डी कौन सी लेंथ है, सी डैश डी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है। तो इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है, सी डैश डी को मैंने लिखा है सी डैश ई, ये लेंथ प्लस डी ई लेंथ, इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे सी डैश डी मिल जाता है। तो ये ब्रेक करना सही है। फिर मैंने यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट जो यहाँ पर सी डैश ई और डी डैश ई को ऐड कर रहा था, उसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इस पे और इस पे, एसोसिएटिविटी है ना, एडिशन में कर सकते हैं अपन। ऐसा करने के बाद फिर इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह बी डैश ई प्लस सी डैश ई की जगह मैंने लिख दिया बी डैश सी डैश। देखिए आप, बी डैश ई प्लस सी डैश ई, देखिए आप डायग्राम में, तो आपको समझ में आ रहा होगा इट इज़ इक्वल्स टू बी डैश सी डैश। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लॉजिक दिया है, क्या कहता है लॉजिक, ये कि ए इज़ द पोल ऑफ बी डैश सी डैश। सही है बात, ये देखिए आप इधर, ए दिख रहा आपको, ए ये रहा आपके डायग्राम में ए, ये ए जो है वो बी डैश सी डैश इस आर्क का पोल है। ये पूरा मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो अगर ये ए बी डैश सी डैश का पोल है सा, तो आई कैन से, ध्यान से समझना, कि ए बी आर्क और ए सी आर्क
ये दोनों बी डैश सी डैश की सेकेंडरीज हैं, यानी येलो कलर में बनाए गए आर्क, मार्क किए गए आर्क, ग्रीन कलर वाले आर्क की सेकेंडरीज हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा है। वो कहता है कि इस केस में ये जो एंगल है, ये एंगल इस आर्क के द्वारा मेज़र होगा। इसके लिए आप प्लीज़ प्रीवियस वाला लेक्चर ढंग से कंसेप्ट नंबर टू समझना। कुल मिला के ये एंगल ए इस आर्क के इक्वल है, यानी कि इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ एंगल ए एंड डी ई आर्क आर सेम बाय द कंसेप्ट नंबर टू, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। यही देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। एंगल ए इक्वल्स, मैंने रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसको मैं। तो अब कुल मिला के टू का यूज़ हम वन में कर रहे हैं। देखिए अब ये तो है वन और ये है मेरी टू। मैंने क्या किया, ये जो डी ई यहाँ आपको दिख रहा है ना साहब, यहाँ पर मैंने ए पुट कर दिया और फिर ए को मैं ले गया आर एच एस में ट्रांसफ़र करके, और फिर बी डैश सी डैश की जगह मैंने ए डैश पुट कर दिया। ये तो मैंने आपको बता दिया ऊपर। तो इस प्रकार से मैंने ये रिज़ल्ट हैंस प्रूव कर दिया, यही मुझे प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर इस रिज़ल्ट में ए डैश कौन है, साइड ऑफ पोलर ट्रायंगल, और कैपिटल ए कौन है, एंगल ऑफ प्रिमिटिव ट्रायंगल। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पर मैं ए डैश को अगर मैं ए में ऐड करूँ तो मुझे पाई मिलता है। तो जब भी दो क्वांटिटीज़ का सम पाई आता है तो वो दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे की सप्लीमेंट्री कहलाती हैं, है ना। ये प्रूव हो गया। फिर हम कह रहे हैं सिमिलरली ये दोनों बातें हम प्रूव कर सकते हैं, इनको दोबारा नहीं करना। अब लास्ट में इस प्रूफ को हम ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ बोल के। हम कह रहे हैं कि अभी अभी जो हमने सारी ये रामायण गाई, जो हमने प्रूव की ये तीन बातें वन टू थ्री, ये क्या मान के प्रूव की साहब, कि ए डैश बी डैश सी डैश पोलर है और ए बी सी प्रिमिटिव है। लेकिन हम तो क्या कह चुके हैं साहब, कि अगर हम इसको पोलर बोलें ए बी सी को, तो ये इसका प्रिमिटिव है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के रोल को चेंज कर दें, कि ए बी सी को तो हम माने पोलर और इसको माने प्रिमिटिव, तो इन तीनों रिलेशंस में लेफ्ट हैंड में पोलर ट्रायंगल्स की साइड लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर पोलर ट्रायंगल अब ए बी सी है, तो इसकी ट्रायंगल साइड्स ये आ गई, और राइट हैंड में एंगल्स आ जाएंगे प्रिमिटिव के। तो वो प्रिमिटिव अब ए डैश बी डैश सी डैश है, तो उसके एंगल ए डैश बी डैश सी डैश आ गए। तो ये छः बातें हमने प्रूव कर दी। देखिए आप जो अभी रेड कलर में आपको सर्कल से मैंने मार्क करके बताई हैं, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर इज़ नॉट ईजी, मतलब ये कोई सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। हाँ, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इसके बाद जो चैप्टर इस बुक में आएंगे, चैप्टर वन के बाद चैप्टर टू, उसके अंदर इतनी थ्योरी नहीं है, उसके अंदर मेनली न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस चैप्टर को मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार आप इस पर यूज टू हो गए, बातें समझ में आने लग गई, तो फिर नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स हैं, चूँकि चैप्टर टू के अंदर भी थ्योरी तो चैप्टर वन की यूज़ होगी। तो आई होप मैं आपको आज का ये प्रॉपर्टी समझा पाने में 50% भी अगर आपको समझ में आ गई होगी, देन आई विल बी सेटिस्फाइड। तो कोई आपका सुझाव सब कमेंट हो, वैसे तो मुझे पता है कोई सुझाव और कमेंट आपका होता ही नहीं है, क्योंकि आज तक तो आपने कोई बात ना कभी कमेंट में लिखकर पूछी, ना कुछ आपने कि समझ में आया ये लिखा। हो सकता है यू आपको सब बातें समझ में आ रही हों, तो यही मैं गॉड एलमाइटी से प्रे करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।